नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज किसान आंदोलन का 23वां दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के सम्मान में खुद मैदान में उतर आए और सभी किसानों को संदेश दिया कि मैं हूं ना। उनकी भाषा में एक तरह की गारंटी थी। पीएम ने किसानों से कहा है, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। 55 मिनट के भाषण में पीएम मोदी की हर बात का एक ही संकेत था, मैं हूं ना। विपक्ष को इस आंदोलन में जो अवसर दिखाई दे रहा है, उस अवसर के सामने भी पीएम मोदी ही खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा कि ये कानून रातों रात नहीं बन गए, इनके पीछे कई वर्षों का काम है। आज पीएम मोदी विपक्ष के लिए एकदम सख्त है और किसानों के लिए बेहद नर्म। अब सवाल यह है कि क्या पीएम की बातों से किसान मान जाएंगे या फिर आगे भी घमासान होगा। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। किसान सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर पर ही अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, उनकी लड़ाई सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और किसानों आंदोलन को बदनाम करने वाले लोगों से भी है। इसके लिए किसानों ने अपना खुद का एक आईटी सेल बनाया है ताकि वो सड़क के साथ इंटरनेट पर भी अपने आंदोलन और अपने मकसद की रक्षा कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। इस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल ले चलेंगे, जहां राजनीति का चक्रवाती तूफान आया हुआ है। इस तूफान की प्रायोजक है बीजेपी और इसने ममता बनर्जी के विधायकों को बागी बना दिया है और पार्टी में भगदड़ मचा दी। लेकिन ममता एकदम स्थिर है और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जिसे जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ममता बनर्जी की कमजोरियां ढूंढकर वार कर रही है, तो ममता ने भी बंगाल में अपने किले को मजबूत करने का कमबैक प्लान बनाया है। ममता ने तय कर लिया है कि बंगला अस्मिता से लेकर हिंदू वोटरों को लुभाने तक हर दांव आजमाएंगे। बंगाल में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए बने इस प्लान को डिकोड करेंगे और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल भारत में शुरू हो गया है और रूस के साथ डील हुई है, जिसके तहत भारत 2021 में इस वैक्सीन की 30 करोड़ डोज बनाएगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के मैं हूं ना मंत्र का विश्लेषण करते हैं। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों से सीधा संवाद किया और कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर अड़े किसानों को कृषि कानून की विशेषताओं से अवगत करवाया। वैसे तो पीएम मोदी कई मंचों से कृषि कानूनों की व्याख्या पहले भी कर चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन के 23वें दिन ये पहला मौका था जब पीएम मोदी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मन की बात कर रहे थे और किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की खूबियां गिनाने के अलावा इस कानून पर राजनीति कर रहे विपक्ष को उसके पाप भी गिनवाए। करीब 55 मिनट के भाषण के दौरान पीएम मोदी का लहजा किसानों के प्रति बहुत सॉफ्ट और विपक्ष के प्रति बहुत हार्ड था। बीते दशकों में जो पाप किया गया, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसान आंदोलन का 23वां दिन, किसान कल्याण सम्मेलन के मौके पर मध्य प्रदेश के रायसेन से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि कानूनों के हित में जारी पीएम मोदी के भाषण का एक ही सार था, मैं हूं ना। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। पीएम मोदी कह रहे हैं कि उन्हें कृषि कानून लागू करने का कोई श्रेय नहीं चाहिए, बस किसान भाई कृषि कानूनों को लेकर अपने भ्रम दूर कर लें। उनकी सरकार बड़ी मेहनत और उम्मीदों से ये कानून लेकर आई। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कृषि अर्थशास्त्री,
कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। इतने गहन विचार विमर्श के बाद लाए गए क्रांतिकारी कृषि बिल में भी किसान खामियां निकाल रहे हैं। पीएम मोदी को सिर्फ शक ही नहीं बल्कि पक्का यकीन है कि इसके पीछे विपक्षी दलों की बड़ी साजिश है। बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। बिना सिर पर बस झूठ फैलाओ, बार बार बोलो। कृषि कानूनों के हित में मन की बात करते हुए पीएम मोदी के मन की पीड़ा भी छलक रही थी और वो विपक्षी दलों की पीड़ा को भी महसूस कर पा रहे थे। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने किसानों के भ्रम दूर करने वाले मंत्र भी दिए, जिनका उच्चारण केंद्रीय मंत्री पिछले 23 दिनों से करते आ रहे हैं, जैसे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। पीएम मोदी मैसेज दे रहे थे कि कृषि कानून उनके दिल के बेहद करीब है, किसानों को भी इन कानूनों से दूरियां खत्म कर लेनी चाहिए। उनका दूसरा मंत्र था, मंडी हो या खुले बाजार, मनमर्जी से फसल बेचे किसान। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? 6 महीने हो गए कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? पीएम मोदी संदेश दे रहे थे कि उनका किसानों से खास एग्रीमेंट और उनकी सरकार इस एग्रीमेंट को कभी नहीं तोड़ेगी। और जहां तक नए फार्मिंग एग्रीमेंट की बात है तो उनका तीसरा मंत्र है, सिर्फ किसान की मर्जी चलेगी। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। हमने कानूनन तय किया है कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। जो किसान को उसने वादा किया होगा वो स्पॉन्सर करने वाले को, वो भागीदार को उसे पूरा करना ही होगा। एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये किसान की मर्जी पर है भाई। किसान चाहेगा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। करीब 55 मिनट तक देश के किसानों को अपने मन की बात से अवगत कराने के बाद पीएम मोदी को महसूस हुआ कि देश में ऐसे भी किसान हैं जिन्हें कृषि कानूनों की खूबियां और खासियतें समझ में आने लगी हैं। बाकी जिन्हें नहीं समझ में आ रही हैं, उन्हें समझाने के लिए पीएम मोदी आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में
उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। अभी 25 दिसंबर को श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर एक बार फिर मैं इस विषय पर देश भर के किसानों के साथ विस्तार से बात करने वाला हूं। पीएम मोदी ने किसानों को आसान भाषा में कृषि कानून के दर्शन करवाकर सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल का जवाब भी दे दिया है जिसमें पूछा गया था कि क्या सुलह होने तक सरकार कृषि कानूनों को होल्ड पर नहीं डाल सकती। उम्मीद है किसानों को जवाब मिल गया होगा। आज तक ब्यूरो। वैसे ये डिजिटल क्रांति का ही कमाल है कि देश का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन को दिल्ली में बैठकर संबोधित कर सकते हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान अपने मोबाइल फोन पर इसे लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आंदोलनकारी किसानों ने भी इंटरनेट और सोशल मीडिया की इस ताकत को पहचान लिया है। किसानों ने अपनी आवाज को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए हैं, जिसके लिए आंदोलन में शामिल युवा किसानों ने मिलकर एक आईटी सेल तैयार किया है। वैसे किसान अपना खुद का आईटी सेल बनाकर सोशल मीडिया पर ट्रोल्स और दुष्प्रचार का मुकाबला करेंगे। ये सुनकर एक बार को विश्वास नहीं होता, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको किसानों की डिजिटल शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का फेसबुक चैनल है, किसान एकता मंच। इसको जरूर देखिए, अपने विचार शेयर करिए। ये भारत के उस आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन की धरोहर है जो आप तक ताजी ताजी खबरें क्रम से पूरे भारतवर्ष को पहुंचाने में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उस टीम को भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। ये किसान आंदोलन के आईटी सेल का ट्रेलर लॉन्च वीडियो है। ना रहिंदा मैं पंजाब हाँ, पंजाब रहिंदा मेरे रूह दे विच, जिथे अमृत वर्गा पानी पगदा मेरे खूह दे विच। जिसका हेड ऑफिस स्थित है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच की बैक साइड में। और इस वक्त हम लोग बैक स्टेज में हैं, जहाँ पे सारी रणनीति बन रही है, स्ट्रेटजी बन रही है। और हमारे साथ है बलजीत सिंह, जो कि सोशल मीडिया सेल, नया सोशल मीडिया सेल बना है किसान मोर्चे का, उसके अध्यक्ष हैं। खुद भी वो माजा किसान मोर्चे से आते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के। ये बताइए, क्या जरूरत आप लोग को लगी? आप देखिए, इनके पास ये सारे पर्चे हैं। बेसिकली 5 प्लेटफॉर्म पे आप उतरे हैं और कुछ ही 2 दिन के भीतर ही आप लोग को जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। जी, हमने 5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमना डिजिटल फ्रंट जो है वो लॉन्च करा है। एक हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, ट्विटर है। और जो इसका यूजर नेम, जो इसकी आईडी है, वो हर एक जगह पे सेम है। वो है @किसान एकता मोर्चा विदाउट एनी स्पेस। इसमें कोई स्पेस नहीं है। किसान आंदोलन को सोशल मीडिया के जरिए बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाने की तैयारी है, लेकिन इस आइडिया के पीछे मुख्य तौर पर 3 मकसद हैं। पहला, विवादित कृषि कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाई जा सके। दूसरा, किसान आंदोलन से जुड़े सभी जरूरी लाइव अपडेट्स शेयर किए जा सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन का दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसका जवाब दिया जा सके, फर्जी खबरों का फैक्ट चेक किया जा सके। हमने देखा था कि कहीं किसी फॉरेन कंट्री में, हमें ये नहीं पता, कहीं किसी फॉरेन कंट्री में किसी ने खालिस्तान का फ्लैग उठा लिया और किसी मीडिया कंपनी ने, मुझे पता नहीं कौन सी वाली थी, और कई जो शरारती अंसर थे, उन्होंने पोस्टें डाल दी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे कि यहाँ पर तो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, ये आतंकवादी है। तो हम लोगों ने ये दिखाना है कि हम लोग इसी भारत के वसनीक हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, तमिलनाडु से हैं, यही जो स्टेट्स हैं यहीं से हैं। किसान आंदोलन के आईटी सेल ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर अकाउंट बनाए हैं। इन अकाउंट्स के जरिए आंदोलन से जुड़े लाइव अपडेट्स, मांगे, वीडियो और अन्य संदेश शेयर किए जा रहे हैं।
16 दिसंबर से शुरू किए गए इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अब तक हजारों लोग फॉलो कर चुके हैं। हमने शुरू करा था 30 लोगों से और 50 पे आए, अभी हम 80 लोगों पे आ चुके हैं। हमारे पास 80-85 सदस्य हैं जो आईटी विंग में काम कर रहे हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ बैक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, और कोई पंजाब से कर रहा है, कोई हरियाणा से कर रहा है, एमपी से भी कर रहे हैं, राजस्थान से भी कर रहे हैं, दिल्ली से भी कर रहे हैं, घर पे बैठ के यहीं पे भी हैं, फोन है, सब कुछ है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म तो फोन ही है हर किसी के पास। किसान आंदोलन की आईटी सेल की पूरी टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पब्लिसिटी में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंची अभिनेत्री स्वरा भास्कर का एक वीडियो ट्विटर अकाउंट पर डाला गया है, जिसमें वो किसान आंदोलन की सोशल मीडिया मुहिम से जुड़ने की अपील कर रही हैं। हमारे बीच में बहुत सारी झूठी खबरें फैल रही हैं किसान रैली के बारे में। मेरी आप सबसे अपील है कि आप ये हैंडल फॉलो करें, इन सब पेजेस से कनेक्ट करें। ये यहाँ जो किसान रैली चल रही है, इसका ओरिजिनल हैंडल है और आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन इन्हीं हैंडलों से मिलेगी। तो प्लीज फॉलो @किसानएकतामोर्चा। किसान आंदोलन को देश के सबसे हाईटेक विरोध प्रदर्शन का दर्जा तो पहले ही दिया जा चुका था, लेकिन असल मायनों में ये अब हाईटेक हुआ है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, तो यहाँ पे हाई फाई आपको वॉर रूम नजर नहीं आएगा। फील्ड पे उतर के तमाम सोशल मीडिया के महारथी, या यूं कह लीजिए सैनिक, उतरे हैं फेक न्यूज को तोड़ने के लिए, इस पूरा ये जो जाल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। बंगाल की सियासी लड़ाई हर रोज धारदार हो रही है। ममता बनर्जी बगावत के बावजूद अपने किले को बचाने की पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। ममता का बगावत से निपटने का प्लान क्या है ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो समझ लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत 6 बीजेपी नेताओं को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ बंगाल में दर्ज मामलों पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी। इन नेताओं ने अपील की थी कि उन्हें राजनीतिक वजहों से मुकदमों में फंसाया गया है। उधर ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल में धुआंधार प्रचार करते हुए पिछले 72 घंटे में बीजेपी पर चुन चुनकर हमले किए। इस प्रचार अभियान से ये बात साफ हो गई कि ममता सॉफ्ट हिंदुत्व और बांग्ला अस्मिता को ढाल बनाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ रही। জনগণ মন অধিনায়কটাও পাল্টে দাও, আমরা বলি পাল্টে দিয়ে একবার দেখো না, ওদের উদ্দেশ্য বাংলাটাকে গুজরাট বানিয়ে দেওয়া, আমরা বাংলাকে গুজরাট বানাতে দেব না। 2016 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीट अपने नाम करने वाली बीजेपी अब बंगाल में ममता के दुर्ग को ढहाने के लिए ताल ठोक रही है। लक्ष्य 200 प्लस का है। तैयारियों का अंदाजा लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही हो गया था। ममता के किले में 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी। नतीजा ये है कि अब तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची हुई, पार्टी के बड़े नेता बागी हो रहे हैं। बगावत का झंडा उठाने वालों में कई नेता ममता बनर्जी के राजनीतिक कोठरी के राजदार हैं। झटका तो लगा है, लेकिन टीएमसी इस भगदड़ में भी कम से कम ऊपरी तौर पर तो जरा भी नर्वस नहीं दिख रही। ममता ने लकीर खींच दी है, जिसे जाना है वो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। কিজে লেনদেন হচ্ছে আমরা জানি না, কিন্তু বাইরে কিসের ভিত্তিতে কে কোথায় যাচ্ছে কে কোথায় আসছে খবরটা আসছে না। তাই অনেক মুমূর্ষ চলে যাচ্ছেন, অনেক ব্যভিচারী চলে যাচ্ছেন, অনেক অবৈধ অর্থ উপার্জনকারী চলে যাচ্ছেন, কিন্তু তাতে কিন্তু আমাদের দলটা আরো শক্তিশালী হচ্ছে। सवाल उठता है कि ममता बनर्जी आखिर नर्वस क्यों नहीं दिख रही, क्यों पार्टी में बड़े नेताओं को जाने से रोका नहीं जा रहा। क्या ये अति आत्मविश्वास है या फिर सोची समझी रणनीति, इसका जवाब ममता के एक्शन से समझा जा सकता है। उत्तरी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का कमबैक प्लान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को उत्तर पश्चिम बंगाल में गजब का राजनीतिक चकमा दिया। ज्यादातर सीटों पर भगवा झंडा लहराया,
ममता ने इस झटके को राजनीतिक सबक के तौर पर लिया है। इसका सबूत दो दिन पहले तब मिला जब ममता ने उत्तर बंगाल में बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ दिया। इस अभियान में दीदी का इमोशनल कार्ड जबरदस्त था। উত্তরবঙ্গে একটা সিটও তৃণমূল পায়নি পার্লামেন্টে, পেয়েছে একটাও। কি অপরাধ ছিল আমাদের, কিন্তু বিধানসভায় আমি কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া, জয় জয় যাই বা বলুন সবটাই চাই। হিন্দুত্ব বনাম বঙ্গাল অস্মিতা। বিজেপি নে বঙ্গাল মে মমতা ব্যানার্জি পর মুসলিম তুষ্টিকরণ কা আরোপ লাগায়া और हिंदू वोटरों के बड़े तबके को अपने पाले में खींचने की कोशिश की। अब ममता बनर्जी इस रणनीति की काट के साथ सामने है। ममता ने हिंदुत्व का जवाब बांग्ला अस्मिता से दिया है। दीदी रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जैसी हस्तियों का जिक्र करती हैं और बांग्ला अस्मिता और स्वाभिमान को जगाती है। এরা রামকৃষ্ণ মিশন নয়, এরা ভারত সেবাশ্রম নয়, এরা স্বামী বিবেকানন্দ নয়, এরা একটা ঘৃণ্য ধর্মের প্রচারক। মমতা কে হাল কে ফয়সলো সে ইয়ে সাফ ভি হো গয়া কি ও সফট হিন্দুত্ব কি রাহ পর চল চুকি হ্যায়। মমতা নে পুরোহিতোঁ কো মাসিক ভত্তা অর মকান দেনে কা এলান কিয়া, উসকে তহত রাজ্য কে 8,000 সে জ্যাদা গরীব ব্রাহ্মণ পূজারিয়োঁ কো 1,000 রুপে মাসিক ভত্তা और मुफ्त आवास की घोषणा की गई। राज्य की लगभग 37,000 दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपए का अनुदान देने का ऐलान। पूजा समितियों को बिजली के बिल में 50% का छूट देने का ऐलान। दलित अकादमी का गठन। ममता के इन फैसलों को हिंदू वोटरों और हिंदी भाषी लोगों को लुभाने के प्रयास के तौर पर देखा गया। जहां एक ओर बीजेपी ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टिकरण के राजनीति के आरोप में घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हुए बंगाली अस्मिता कार्ड खेलकर उसे दरकिनार करने की कोशिश में जुटी हुई है। बाहरी बनाम बंगाली। ममता बनर्जी के सियासी कार्ड में बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा भी समझिए। टीएमसी नेता अपने प्रचार में जोर देकर सवाल पूछते हैं कि आखिर शासन का जिम्मा भूमि पुत्रों की जगह बाहरी लोगों को कैसे दिया जा सकता है। ममता ने भी बंगाल को गुजरात न बनने देने की बात कहकर इस रणनीति पर मुहर लगा दी है। ওদের উদ্দেশ্য বাংলাটাকে গুজরাট বানিয়ে দেওয়া, আমরা বাংলাকে গুজরাট বানাতে দেব না। ममता के चेहरे पर चुनावी दांव। बीजेपी की रणनीति यह है कि आगामी चुनाव की लड़ाई सीधे सीधे टीएमसी बनाम बीजेपी हो, यानी मोदी बनाम ममता हो। टीएमसी को यह भरोसा है कि बंगाल में ममता का चेहरा सियासी जमीन में सबसे भरोसेमंद है और इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। वहीं बीजेपी पीएम मोदी के विजय रथ को एक बार फिर बंगाल में दौड़ाना चाहती है। ये सीधी टक्कर दोनों पार्टियों को सूट करती है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में खिसके हुए जनाधार पर पकड़ मजबूत कर रही हैं, वहीं बीजेपी टीएमसी के एक और गढ़ दक्षिण बंगाल में एक्टिव है। बीजेपी उत्तर और दक्षिण 24 परगना की 64 सीटों पर नजरें गड़ाए हुए है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 31 में से 29 सीट जीतकर झंडा गाड़ दिया था। वहीं पूर्वी मिदनापुर की 16 सीट पर भी उसकी नजर है। बगावत कर चुके शुभेंदु अधिकारी के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी को 16 में से 13 सीटें मिली थी। अब बीजेपी ममता की इसी गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। उत्तर 24 परगना में राजनीतिक जमीन पर पकड़ रखने वाले मुकुल राय पहले ही बीजेपी के खेमे में है और अब पूर्वी मिदनापुर में असर रखने वाले शुभेंदु अधिकारी बगावत कर चुके हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। ऐसे में अब ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती है। टीएमसी खेमे में भगदड़ मची है, बीजेपी खेमा गदगद है। ममता की ताकत बिखर रही है और बीजेपी ताकत बटोर रही है। बंगाल चुनाव की उल्टी गिनती से पहले नंदीग्राम आंदोलन का क्रांतिवीर शुभेंदु अधिकारी बगावत कर चुका है। दो विधायक जितेंद्र तिवारी और शीलभद्र दत्ता ने भी पार्टी छोड़ दी। ममता आरोप लगा रही है कि तोड़ फोड़ की पटकथा बीजेपी दफ्तर में तैयार हो रही है। कोथाय गेछे बुझुन बीजेपी, সামান্য ন্যূনতম লজ্জা বা ভদ্রতা বা সৌজন্যতা নেই। সুব্রত বক্সিকে ফোন করেছে,
फोन करे बोलछे दादा एकटु कथा आछे आपनार साथे बसबो कत बड़ साहस पहुंच रहे गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी समर्थकों के साथ अपना पाला बदलेंगे। हालांकि बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन बार बार समझा जरूर रही है कि टीएमसी में बहुत असंतोष है। उनकी पार्टी में न तो लोकतंत्र है, न कोई व्यवस्था है, न कोई विधान है, और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ पे लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। बेशक टीएमसी सूबे में नंबर वन है, लेकिन ये भी 100% सही है कि बगावत करने वाले भी सबसे ज्यादा यही है। 18 दिसंबर 2020 को कबीरुल इस्लाम ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। 1 अक्टूबर 2019 को शुभाशीष दत्ता ने पार्टी छोड़ दी। जनवरी 2019 में सौमित्र खान बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मार्च 2019 में सांसद अनुपम हजारा ने बीजेपी का कमल उठा लिया। मई 2019 में ही टीएमसी एमएलए मोनिरुल इस्लाम और शुभ्रांशु राय बीजेपी के साथ हो लिए। जून 2019 में टीएमसी एमएलए सुनील सिंह 12 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में सीबीआई ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में कटघरे में आए चारों आरोपियों रामू, रवि, संदीप और लवकुश को कसूरवार ठहराया गया है। करीब 2000 पन्नों की चार्जशीट में पीड़ित लड़की के मौत से पहले दिए गए आखिरी बयान को आधार बनाया गया है। हाथरस की एक अदालत में दाखिल हुई चार्जशीट के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा। अपनी मौत से पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस की पीड़ित लड़की ने जो आप बीती सुनाई थी, उसे 2 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने अपना सबसे बड़ा सबूत माना है। हाथरस की अदालत में सीबीआई ने गैंगरेप और हत्या के सनसनीखेज मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट में चारों आरोपियों रामू, रवि, संदीप और लवकुश के नाम है। इनके खिलाफ गैंगरेप, हत्या, SC/ST एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई। बड़े हंगामे के बाद 11 अक्टूबर को सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। आज चारों अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, तो ये एक खुशी की बात है। लेकिन ये प्राइमरी लेवल की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हम जीते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूनम मैम बहुत बड़ी लड़ाई है। परिवार सेटिस्फाई है इस चीज को लेके। सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डिक्लेरेशन है उसमें जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए और आज कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। अच्छा सर, तो क्या किन किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC/ST एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। अच्छा, 302 में सर। एक दलित की बेटी के साथ अन्याय और ऊंची जाति के आरोपियों के मामले में पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आया था। 14 सितंबर को पीड़ित के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इसके बाद उसे न्याय दिलाने में कथित कोताही बरतने को लेकर उसकी मौत के बाद 30 सितंबर को आधी रात में बिना परिवार की अनुमति से शव को जलाने के आरोपों से प्रशासन कटघरे में आया था। अब जबकि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में चारों आरोपियों पर उंगली उठाई है तो पीड़ित के परिवार को न्याय की आस जगी है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर